हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम क्लास इलेवेंथ में सेवन्थ लेसन में जो नेक्स्ट एनिमल है उसके बारे में करेंगे, एंड दैट इज़ कॉकरोच। कॉकरोच आई थिंक बच्चों सभी ने देखा होगा। कॉकरोच जो है ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं, और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा में आते हैं, क्योंकि आपको पता होगा बहुत ही फेमस इंसेक्ट है। इसके अलावा येलो, रेड या ग्रीन कलर के कॉकरोचेस भी कुछ ट्रॉपिकल एरियाज में देखे गए हैं। अगर हम इनके साइज की बात करें तो 1/4 इंच से लेकर 3 इंच तक इनका साइज हो सकता है, और इनका जो एंटीना है वो काफी लंबा होता है। आपने कॉकरोच के आगे देखा होगा दो इस तरह से पतले पतले से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एंटीना, जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं जिसकी हेल्प से ये सेंस कर सकते हैं कि कौन सी चीज है क्या नहीं है। इसके अलावा इनमें लेग्स भी होती हैं, और इनकी जो अपर बॉडी वॉल है वो फ्लैट होती है, और हेड जो है वो इनका कंसील यानी कि जुड़ा हुआ होता है। दे आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब होता है विच आर एक्टिव एट नाइट, यानी कि जो रात के समय एक्टिव होते हैं। ओमनीवोर्स होते हैं। ओमनीवोर्स आपको पता होगा, जिनको हम सर्वाहारी भी कहते हैं, यानी कि ये नॉनवेज चीजें भी खा सकते हैं, वेजिटेरियन चीजें भी खा सकते हैं। डैम्प प्लेसेस, गीली जगह पे रहते हैं, और थ्रू आउट द वर्ल्ड पाए जाते हैं, हर देश में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे घरों में भी होते हैं, और काफी ज्यादा सीरियस पेस्ट है, क्योंकि इनकी वजह से फूड पॉइजनिंग और भी कई सारी डिजीजेस हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी की। इनका जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, और इसके जो एडल्ट्स हैं उनकी जो लेंथ है वो नियरली 3.4 से 5.3 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और इनके जो विंग्स हैं वो मतलब एब्डोमेन से भी आगे तक जा सकते हैं। कॉकरोच की अगर आप बॉडी मतलब अगर आप कॉकरोच को उल्टा करके देखो तो आपको उसकी बॉडी पे इस तरह से सेगमेंट्स दिखेंगे, और इसकी बॉडी को हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेड रीजन, थोरेक्स रीजन एंड एब्डोमेन रीजन। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, जो ये सबसे ऊपर वाला रीजन है यहाँ तक दिस इज द हेड रीजन, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखो तो ये इसका थोरेसिक रीजन है, और लास्ट में आता है इसका एब्डोमेन रीजन। इसकी पूरी बॉडी के बाहर काइटिनस एक्सोस्केलेटन यानी कि काइटिन का बना हुआ एक बहुत ही सख्त एक्सोस्केलेटन होता है। आपने ये भी देखा होगा जब कई बार कॉकरोच मर भी जाता है तो उसकी जो बाकी की बॉडी है वो तो जल्दी डिग्रेड हो जाती है, बट ये जो काइटिनस शेल है इसको डिग्रेड होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, जो जनरली ब्राउन कलर की होती है। इसके अलावा आप इसके हर एक सेगमेंट में देख सकते हो कि हार्ड प्लेट्स होती हैं, जिन्हें स्क्लेराइट्स भी बोला जाता है, या टर्जाइट्स या स्टर्नाइट्स भी बोल देते हैं, और ये सारे जो स्क्लेराइट्स हैं ये आपस में एक पतली सी मेम्ब्रेन से मिलकर बनी जुड़ी होती हैं, जिसे हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यहाँ पर आपको कॉकरोच की एक पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें उसके विंग्स दिखाए हुए हैं। आगे वाले विंग्स को टेगमीना बोलते हैं, पीछे वालों को हाइंड विंग बोलते हैं। यहाँ पे हेड रीजन दिखाया हुआ है, इसकी आईज दिखा रखी है, एंटीने दिखाए हुए हैं। उसके अलावा इसका जो थोरेसिक रीजन है उसको आगे डिवाइड किया हुआ है, मीजोथोरेक्स, प्रोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेक्स, मीजोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेसिक लेग, यानी कि जो इसकी लेग्स हैं उसके 3 पेयर्स होते हैं, टोटल 6 लेग्स होती हैं, और वो अलग अलग लोकेशन पे होती हैं। प्रोथोरेसिक यानी कि थोरेसिक से पहले, मीजोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक, अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंगली उनको अलग अलग नाम दे दिया है। देन एनल सरकाई, जिसके थ्रू ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती हैं। इनका जो हेड है वो जनरली ट्रायंगुलर शेप का होता है, और ये पूरी बॉडी के कंपैरेटिवली राइट एंगल पे लोकेटेड होता है। जो हेड है वो 6 सेगमेंट्स के मिलकर बना होता है, मतलब 6 सेगमेंट्स जुड़ के उसको बनाते हैं, और इसके हेड में बहुत ज्यादा मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करना। इनकी नेक काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, इस वजह से ये हर डायरेक्शन में अपने सिर को घुमा सकते हैं, और इनकी जो आईज है वो कंपाउंड आईज होती है। कंपाउंड आईज का मतलब आप ये कह सकते हो कि एक साथ ये बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। जो एंटीने हैं वो आईज से ऊपर ही निकलते हैं, और इनमें कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब जिससे ये अपने आसपास की चीजों को एग्जामिन कर सकते हैं, इनको पता लग जाता है कि कहाँ पे कोई खतरा है या कोई सॉलिड चीज है। इसके अलावा इनके हेड के अंदर अपेंडिजेस भी होती हैं, जो कि इनमें मतलब इनके जो माउथ पाइट्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग, मतलब किसी चीज को काट भी सकते हैं, चबा भी सकते हैं। कई बार बच्चों ऐसा भी हो जाता है कि सिर्फ इसके माउथ पार्ट्स के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आप इसके माउथ पार्ट्स में देखो तो आपको इस तरीके से 6-7 डिफरेंट पार्ट्स दिख सकते हैं। तो माउथ पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके अपर लिप को बोलते हैं लैब्रम,
इसके अलावा इसमें पेयर ऑफ मैंडिबल्स होते हैं, पेयर ऑफ मैक्सिले होते हैं और लेबियम होता है लोअर लिप, यानी कि अपर लिप को लेबरम बोला और लोअर लिप को लेबियम, सिर्फ आर और आई का डिफरेंस है। मैंडिबल्स का एक पेयर होता है और एक पेयर होता है मैक्सिले का। इसके अलावा एक इसके अंदर फ्लेक्सिबल लोब होती है जो टंग का काम करती है, जिसको हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, लेबरम, लेबियम और मैंडिबल के भी एक पेयर होगा, मैक्सिला का भी एक पेयर होगा और हाइपोफेरिंग्स है जो इसमें टंग की तरह काम करती है और ये सारे माउथ पार्ट्स के बीच में प्रेजेंट होती है। इसी तरह से जो इसका गला है, जो थोरेक्स है, उसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। जो हेड है उसको थोरेक्स के साथ प्रोथोरेक्स कनेक्ट करता है। हर एक थोरेसिक सेगमेंट जो है उसमें अलग अलग लेग्स होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, टोटल 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के और वो तीनों अलग अलग रीजन में प्रेजेंट होते हैं। जो पहले पेयर है इसके विंग्स के, पंखों के, वो मीजोथोरेक्स से निकलते हैं और जो सेकंड पेयर है वो मेटाथोरेक्स से निकलते हैं। जो ऊपर वाले विंग्स है उन्हें फोर विंग्स बोलते हैं या टेगमीना बोलते हैं। अगर आप उनका कलर देखो तो वो ओपेक डार्क होते हैं, ओपेक होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, यानी कि अपारदर्शी, डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं और वो हाइंड विंग्स को कवर करके रखते हैं। मतलब अगर जो कॉकरोच है वो फ्लाई नहीं कर रहा, वो रेस्ट पे बैठा हुआ है, तो उसके फोर विंग्स उसके हाइंड विंग्स को कवर कर लेते हैं। हाइंड विंग्स इसके ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं और वो उड़ने में हेल्प करते हैं। मतलब इसके अंदर जो ये दो विंग्स हैं, तो इसमें जो फोर विंग्स है टेगमीना, वो उड़ने में हेल्प नहीं करते, वो डार्क कलर के होते हैं, वो सिर्फ हाइंड विंग को कवर करते हैं, और जो हाइंड विंग है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और वो फ्लाइट में यानी कि उड़ने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एब्डोमेन की। इसकी जो एब्डोमेन है, चाहिए मेल है फीमेल है, उसमें टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं। फीमेल के अंदर जो 7th स्टर्नम है वो बोट शेप्ड होता है और वो 8th और 9th स्टर्नम के साथ मिलकर एक जेनाइटल पाउच बनाता है। और इसके अलावा उसके आगे वाले पार्ट में गोनोपोर होता है, स्पर्मेटिकल पोर्स होते हैं, कोलेट्रल ग्लैंड्स होते हैं। मेल्स में जो जेनाइटल पाउच या चैम्बर है वो 9th और 10th के बीच में होता है। फीमेल में वो 7th में था और जो 8th और 9th में जाके ज्वाइन कर रहा था, और मेल में वो 9th और 10th के बीच में होता है। इसके अलावा इसमें एनस होती है जो इसके डोर्सल यानी कि इसकी बैक साइड की तरफ प्रेजेंट होती है। वेंट्रल साइड पर जेनाइटल पोर होता है, गोनाडोफाइसिस होता है। मेल्स के अंदर एनल स्टाइल्स भी होते हैं, फीमेल के अंदर ये एनल स्टाइल नहीं होते। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। दोनों ही सेक्सेस में अगर हम 10th सेगमेंट की बात करें तो वहां पे एनल सर्काई प्रेजेंट होते हैं, जो आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाए गए हैं। मतलब ये इसके 10th सेगमेंट पे प्रेजेंट है। इसके बाद बच्चों बात आती है एनाटॉमी की। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है कॉकरोच की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डायग्राम जनरली आ जाता है और इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल को देखें तो हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। जो इसका माउथ है, माउथ ओपन होता है फेरिंग्स में, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको। मतलब जब ये कुछ खाते हैं तो वो चीज इसकी फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स के बाद इसका ईसोफेगस स्टार्ट होता है, मतलब वही स्ट्रक्चर्स हैं कुछ कुछ जो हमारी बॉडी में भी होते हैं। और ईसोफेगस के बाद एक इसमें क्रॉप रीजन होता है। जो ये क्रॉप है, ये आपने किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं देखा होगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 1 मार्क में भी आ जाता है, दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रॉप इन कॉकरोच। तो ये जो क्रॉप है, इसका फंक्शन क्या होता है, फूड को स्टोर करना। तो ये जो क्रॉप है, क्रॉप के बाद यहाँ पर गीजर होता है। गीजर भी बच्चों सिर्फ कॉकरोच में ही पाया जाता है। इसके अलावा इसमें थिक सर्कुलर मसल्स होती हैं जो इसको बाहर से कवर करती हैं, और अंदर की तरफ एक क्यूटिकल होता है, और इसके अंदर अंदर वाली लेयर में यहाँ पे 6 काइटिनस प्लेट, जिनको हम टीथ भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती है। तो कई बार आपसे गीजर का फंक्शन भी पूछ लिया जाता है, तो गीजर का फंक्शन होता है कि वो फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करने में यानी कि छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने में हेल्प करता है। इसके पूरे फोरगट के ऊपर क्यूटिकल की लाइनिंग होती है, जिसको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद हम बात करते हैं हेप्टिक सीका की, अगेन इम्पॉर्टेंट है 1 मार्क के अकॉर्डिंगली। क्या होता है, जहां पर मतलब इसका मतलब ये है बच्चों कि फेरिंग से लेके गीजर तक इसका फोरगट था। अब बात हम करते हैं मिडगट की। तो जहां पे फोरगट और मिडगट दोनों जुड़ते हैं,
वहां पे 6 से 8 के करीब पतली पतली ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हेपेटिक सीका, और इनका फंक्शन होता है डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करना। इसी तरीके से जहां पे मतलब हेपेटिक सीका सिर्फ इसके मिडगट में होता है, उसके बाद मिडगट और हाइंडगट इन दोनों की जंक्शन यानी कि इन दोनों के भी जहां जुड़ते हैं वहां पर भी 100 से 150 के करीब पतली पतली धागे जैसी स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स का काम होता है कि जो इसके अंदर हीमोलिम्फ है, क्योंकि इसमें ब्लड तो होता नहीं, इसमें हीमोलिम्फ पाया जाता है, तो उसमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करना। हाइंडगट की जो विड्थ है वो मिडगट के कंपैरेटिवली ज्यादा चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है, और हाइंडगट के 3 पार्ट्स होते हैं, इलियम, कोलोन, रेक्टम, जैसे ह्यूमंस में भी देखा है, और इसके अंदर जो है वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है जो एनस के थ्रू, जो एनल सरकाई है उसके थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको अगेन रिपीट करूंगी, कॉकरोच में आपको कई बार तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाना भी आ सकता है 2 मार्क्स में, या आपसे क्रोप, गीजर्ड, हेप्टिक सीका या मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, इन चारों के फंक्शंस पूछ सकते हैं 1 मार्क में। बहुत इजी है, आपको सिर्फ 1-1 लाइन में आंसर याद रखना है। क्रोप का काम है फूड को स्टोर करके रखना, गीजर्ड का काम होता है कि उसके अंदर जो है फूड पार्टिकल्स की ग्राइंडिंग होती है, उसके बाद जो हेप्टिक सीका है उसका काम होता है डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करना ताकि जो खाना है वो डाइजेस्ट हो सके, और मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स का काम होता है उनको डाइजेस्ट करके जो वेस्ट बन रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालना। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कॉकरोच में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, मतलब इसके अंदर कोई प्रॉपर आर्टरी वेन यानी कि कोई नलिकाएं, कोई पाइप्स नहीं होती, ऐसी फ्रीली जो है इसके अंदर हीमोलिम्फ पाया जाता है, ब्लड वेसल्स नहीं बनती हैं, और एक सिंपल एक स्पेस होता है जिसको हम हीमोसील बोलते हैं, उसी के अंदर जो है इनका फ्लूड पड़ा रहता है। इसके अलावा जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, मतलब जितने भी इसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे ब्लड में ऐसे फ्रीली पड़े रहते हैं, मतलब कोई आउटर कवरिंग कुछ नहीं होता। अगर हम इनके हीमोलिम्फ की बात करें, मतलब इनमें ब्लड नहीं होता, इनके अंदर ब्लड की जगह हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। तो ये जो हीमोलिम्फ है ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। बच्चों जहां भी साइट्स वर्ड लगा हो इसका मतलब वहां पे सेल है, तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम हीमोसाइट्स बोलते हैं, और वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका जो प्लाज्मा है वो कलरलेस होता है। और अगर हम कॉकरोच का हर्ट देखें तो कॉकरोच के हर्ट में एक लंबी सी मस्कुलर ट्यूब होती है जो इसकी बिल्कुल मिड डोर्सल यानी कि सेंटर लाइन के अलोंग चलती है, थोरेक्स से लेके एब्डोमेन तक, और इसके अंदर फनल शेप्ड आप कह सकते हो चैम्बर्स बने होते हैं जिसके दोनों साइड पे ओस्टिया होते हैं, मतलब ये सारा इसका एक तरह से हार्ट है जो ये पूरा का पूरा उसमें प्रेजेंट है। तो क्या होता है, इसमें छोटे छोटे कोने में छेद होते हैं, उन छेद को हम बोलते हैं ओस्टिया। तो ओस्टिया के थ्रू जो ब्लड है वो हार्ट में आता है और उसके बाद वापिस वो साइनस में जाता है, मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, कोई पाइप्स नहीं है, यहीं से ब्लड आएगा, यहीं से ब्लड बाहर चला जाएगा। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। कॉकरोच में अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या कॉकरोच के अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो इसमें ट्रैकिया पाए जाते हैं, और ये जो ट्रैकिया है इनके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पायरिकल्स। इनकी बॉडी के साइड में छोटे छोटे होल्स होते हैं, 10 पेयर यानी कि टोटल 20 होल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पायरिकल्स, और पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम ट्रैकियल ट्यूब्स भी कहते हैं, जो आगे जाकर ट्रैक्यूल्स में डिवाइड होती हैं, जो एयर से ऑक्सीजन लेके इनकी बॉडी के सारे पार्ट्स को सप्लाई करती है। स्पायरिकल्स के ऊपर स्फिंक्टर यानी कि ढक्कन लगे होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कि कितनी एयर आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए, और डिफ्यूजन के थ्रू इनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हाई टू लो कंसेंट्रेशन, यानी कि जिधर भी ऑक्सीजन ज्यादा होगी वो वहां से कम कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगी, और जो CO2 है वो भी ज्यादा से कम की तरफ जाएगी। एक्सक्रीशन के लिए जैसा कि अभी हमने एलिमेंट्री कैनाल में देखा मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, हर एक ट्यूब्यूल के ऊपर ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल्स यानी कि सीलिया से वो कवर्ड होते हैं। सीलिया अगर आपको याद हो छोटे छोटे बाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मूवमेंट वेयर में भी हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको यूरिक एसिड में बदल देते हैं, और जो इनके हाइंडगट यानी कि एनस और रेक्टम के थ्रू रिमूव हो जाता है। तो ये जो इंसेक्ट है वो यूरिकोटेलिक होता है।
यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक बात बता दूँ, जब हम लेसन आपका फिफ्थ यूनिट करेंगे उसमें जब हम एक्सक्रीशन वाला लेसन करेंगे तो उसमें आप देखोगे कि तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक। जिन ऑर्गेनिजम्स का वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है, जैसे कि फिशीज यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं, उन्हें हम बोलते हैं एमोनोटेलिक। जिनका वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया होता है, जैसे हम लोग हैं ह्यूमंस, उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक। और जिनका वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड है उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, छिपकली हो गया, सांप हो गया, या बर्ड्स हो गए, या जैसे कॉकरोच है। तो ये यूरिकोटेलिक है, यानी कि यूरिक एसिड की फॉर्म में ये वेस्ट को निकालते हैं। इसके अलावा इनके अंदर नेफ्रोसाइट्स और कुछ दूसरे ग्लैंड्स भी होते हैं, यूरिकोस ग्लैंड्स, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। बट अगर आप इतना नहीं याद रख सको तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मैल्पीजियन टिब्यूल्स के थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं और इनका जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है, यानी कि यूरिकोटेलिक है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में देखें तो इसके अंदर गैंग्लिया होते हैं जो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ये गैंग्लिया इनके थोरेक्स यानी कि गले वाले रीजन में पाए जाते हैं और इसके अलावा एब्डोमेन में भी होते हैं। तीन गैंग्लिया तो इनके गले में होते हैं और सिक्स गैंग्लिया इनके एब्डोमेन में होते हैं। पूरी बॉडी में इनका नर्वस सिस्टम फैला हुआ होता है। इसके अलावा इनके हेड रीजन में भी थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम होता है। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था, तीन पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। तो ज्यादातर जो नर्वस सिस्टम है वो थोरेक्स और एब्डोमेन में है। थोड़ा बहुत पार्ट आप कह सकते हो कि हेड रीजन में भी होता है। और आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप किसी कॉकरोच के सिर को काट दो उसके बाद भी वो एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, तो इसका रीजन यही है कि उसकी जो नर्वस सिस्टम है वो उसके हेड रीजन में ना होकर उसके थोरेक्स और एब्डोमिनल रीजन में है। तो यानी कि वो एक हफ्ता उसको सरवाइव करने में हेल्प कर सकते हैं। हेड रीजन में इसका ब्रेन होता है। ब्रेन जो है बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, सिर्फ गैंग्लियन यानी कि नर्व्स के गुच्छे की फॉर्म में होता है जो एंटीना और कंपाउंड आइज को नर्व सप्लाई करता है। कॉकरोच में सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि एंटीने, आईज, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प, सरकाई एटसेट्रा। इसके अलावा कंपाउंड आईज हैं जो इनके पीछे की तरफ प्रेजेंट होती हैं। हर एक आई के अंदर 2000 के करीब ओमेटीडिया होते हैं। ओमेटीडिया प्लूरल में लिखोगे तो ओमेटीडिया, सिंगुलर में लिखोगे तो ओमेटीडिया, मतलब हर एक आंख के अंदर 2000 के करीब ओमेटीडिया होते हैं जिनकी हेक्सागन शेप होती है। हेक्सागन मतलब 6 कॉर्नर्स, जैसे आप केमिस्ट्री में भी देखते होंगे, इस तरह की शेप के यहाँ पर 2000 ओमेटीडियम होते हैं। इन ओमेटीडिया का बच्चों फंक्शन क्या होता है, इसको एक ही चीज की बहुत सारी इमेजेस बन जाती हैं, मतलब एक ही टाइम पर ये एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेज बना सकता है। इस तरह की विजन को हम बोलते हैं मोजेक विजन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज मोजेक विजन। तो मोजेक विजन का मतलब ये होता है जब आईज में एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस बन सकती हैं। तो इनकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, रेजोल्यूशन कम है। इसका क्या मतलब होता है बच्चों की सेंसिटिविटी, यानी कि थोड़ी सी भी कोई चीज, कोई झलक इनको दिख जाए तो ये उसको डिपिक्ट तो कर लेते हैं। रेजोल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा क्लैरिटी से क्लियर उसको नहीं देख पाते। और ये ज्यादातर नाइट के टाइम यानी कि रात के समय इनकी आंखें ज्यादा एक्टिव होती हैं, इसलिए हम इसको नॉक्टर्नल विजन भी बोलते हैं। कॉकरोचेस जो है बच्चों डाइओशियस है। डाइओशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, जिसको आप एक लिंगी भी बोलते हो, यानी कि इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। दोनों सेक्स के अंदर अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उनके 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स के बीच में टेस्टिस पाई जाती हैं, जिनमें से वास डेफरेंस एमर्ज होता है जो इजैकुलेटरी डक्ट में जाके जुड़ता है, जो इनके मेल गोनोपोर के अंदर ओपन होके जो इनके मतलब स्पंजम को रिलीज करती है। इसके अलावा इनके 6 to 7 सेगमेंट्स के बीच में भी मशरूम शेप ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का काम करता है। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होते हैं, बट आप इतना ज्यादा डेप्थ में ना जाओ, बस आप ये याद रख लो कि कौन से सेगमेंट में इसके टेस्टिस वगैरह लोकेटेड हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बाद बात आती है स्पर्म्स की। जो स्पर्म्स हैं वो सेमिनल वेसिकल्स में स्टोर रहते हैं और वो आपस में चिपके रहते हैं, मतलब चिपक के गुच्छा बना लेते हैं, बंडल बना लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर्स। और जिस टाइम कॉपुलेशन होती है, मेटिंग होती है, रिप्रोडक्शन होता है, उस टाइम ही वो अपने स्पर्म्स को रिलीज कर देते हैं।
इसी तरह से जो फीमेल है, फीमेल की सेकंड से सिक्स सेगमेंट्स के बीच में दो ओवरी होती हैं, मेल में होती हैं 6 to 7 के बीच में, फीमेल में होती हैं 2 to 6 के बीच में। हर एक ओवरी के अंदर 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जो ओवा डेवलप करती हैं। हर एक ओवरी में से ओविडक्ट्स निकलती हैं, जो दोनों ओविडक्ट्स आपस में जुड़कर एक सिंगल ओविडक्ट बनाएगी। और इसके अलावा स्पर्मेथिका जो है वो भी इनके सिक्स सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। स्पर्मेटोफोर्स, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो स्पर्म है वो बंडल की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं, तो स्पर्मेटोफोर्स में से स्पर्म्स रिलीज होते हैं। और इसके अलावा जो फर्टिलाइज्ड एग्स है, मतलब जब वो एग्स को फर्टिलाइज कर देते हैं, तो वो जो एग्स हैं वो ऊथी के नाम के कैप्सूल के अंदर छुप जाते हैं, अपने आप को ढक लेते हैं। ऊथी का जो है डार्क रेडिश या ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है। दे आर ड्रॉप्ड और ग्लू टू अ सुटेबल सरफेस यूजली इन ए क्रैक। मतलब क्या होता है, कॉकरोचेज जो है इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। जो मेल और फीमेल है वो दोनों अपने मतलब आप ये कह सकते हो कि स्पर्म्स मिलने के बाद जो फीमेल है वो अपने एग्स को फर्टिलाइज करने के बाद उसको एक ढांचे के अंदर, एक उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर जिसको मूथी का कहते हैं, उसके अंदर छोड़ देती है। और फिर जहाँ कहीं भी उसको गड्ढा या खाली जगह या आप कह सकते हो थोड़ी सी छिपछिपी सी जगह मिलती है, वहां पर वो ऊथीके को छोड़कर चली जाती है। और एक फीमेल जो है एक टाइम पर 9 से 10 ऊथीके बना सकती है, और एक ऊथीके के अंदर 14 से 16 अंडे हो सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इट मीन्स एक टाइम पर एक फीमेल के अगर सारे एग सर्वाइव कर जाते हैं तो मतलब वो 150 के करीब नए बच्चे बना सकती है। उसके अलावा इसकी जो डेवलपमेंट है वो पोरो मेटाबोलस है। पोरो मेटाबोलस का मतलब है कि बेटा डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती, इनडायरेक्ट है। इसमें एक निम्फ स्टेज, मतलब आपने देखा होगा अंडे के बाद एक और स्टेज बनती है जिसको हम निम्फ बोलते हैं, लार्वल स्टेज आती है। तो निम्फ स्टेज आती है जो काफी हद तक अडल्ट लगता है, जैसे देखने में कई बार हम ये भी कह देते हैं कि छोटे छोटे कॉकरोच है, एक्चुअल में वो उसकी यंग स्टेज है। और ये जो निम्फ स्टेज है इसकी 13 times मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग का मतलब होता है 13 बार ये अपनी बाहर की परत को तोड़ता है, मतलब इसकी परत उतरती है, फिर नई परत आती है, फिर उतरती है, ऐसे 13 बार होता है और तब जाके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब लास्ट स्टेज आती है तब इसमें विंग्स आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो विंग्स पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। जब ये एडल्ट बन जाता है तब जाके उन विंग्स की डेवलपमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों आपको मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है। जो टेस्टीज हैं वो इस तरह से दिखती हैं, जो ओवरी हैं वो इस टाइप से दिखती हैं। आपको ये डायग्राम्स करने हैं कि कौन सी जो है मतलब शेप किसको रिप्रेजेंट कर रही है उसके। बट वही है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो है बेटा आपका वो एलिमेंट्री कैनाल है। कॉकरोच की बहुत सारी स्पीशीज हैं जो वाइल्ड है। वाइल्ड कहने का मतलब है कि मतलब जो मतलब हमारे लिए कोई डोमेस्टिक नहीं, मतलब हमारे लिए किसी काम की नहीं है, जो जनरली हमारे को ऐसे ही मिल जाती है, हमें ढूंढनी भी नहीं पड़ती है। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो हमारे घरों के आसपास ही मिलती हैं। ये पेस्ट हैं, पेस्ट मतलब कि ये हमारी फसलों को, हमारे फूड को खराब कर सकते हैं। अगर ये उसमें एक्सक्रीटा वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर दें तो वो जहरीला हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है। इसके अलावा इससे बहुत सारी बीमारी होने के भी खतरे हैं। तो मतलब टिल डेट इसका हमारे लिए कोई फायदा नहीं है।